जपनाम बहन जी। जपनाम कौन सी पिक्चर देख रही हैं? छलकती जवानी। नाम बताऊं के? अरे ना ना जॉनी भाई जी, इतनी ठस दिमाग होती तो वार्डन ना होती। पम्मी ना बैठो। अभी गई और अभी आई। रात खत्म हो जाएगी, काम खत्म ना होगा तेरा। हैं? वो धब्बे जा नहीं रहे। अरे दाग तो चले भी जाएंगे, पर तेरी जिंदगी पे जो कालिक लगी है उसे कैसे धोएगी? अरे उठ, क्या बहुत सोली? अरे चल खड़ी हो जा, आशीर्वाद लेने जाना है। उठ जा छोरी। सही बोली तू, बहुत सोली मैं। अब उठने का टाइम आ गया है। बाबा भाई, ये वार्डन उसे जगाने की खुद तो ना सो गई है? चल देखते। क्या हो गया? कल मारे को बीकानेर निकलना है बाबा भाई। अच्छा हो गया फिर तो, उधर से मेरे लिए दवा ले लेना जॉनी, थोड़ी खत्म सी हो रही है। जाने कहाँ रह गई, लेट हो जाए ना तो पागल हो जाते बाबा जी। ये तो सोई पड़ी है। तो मम्मी, वार्डन बुलाने ना आई तेरे को, जो चौड़ी पड़ी अभी भी। जॉनी, अरे ये लंडिया से कांड कर गई भाई। माता बात लेट समझ में आई आपकी, लेकिन अटैक बोली ना हो अभी, और अब बैलेंस करूंगी सब अपने तरीके से, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तो अब अटैक होगा पहले और फिर होगा डिफेंस। अटैक एंड डिफेंड, डिफेंड एंड अटैक। आग उगलता सूरज भी
है इन छोरियों की कुश्ती को देख के हैरान। देखना है कौन बनता है मेरठ और यूपी की शान। इन छोरियों की कुश्ती के आगे तो बहुतेरे छोरों की कुश्ती अभी फीकी पड़ने वाली है भाई। देखिए किस तरह दोनों पहलवानों ने पूरी जान लगा रखी है एक दूसरे को सिद्ध करने में। और अभी पलड़ा तो भारी पंपी का ही है जो 3 पॉइंट से आगे चल रही है। दोस्तों अभी ये लड़ाई और भी करारी होने वाली है क्योंकि संगीता और पम्मी दोनों जानती हैं। हमारे तो जान अटकारी की ना पम्मी। वो स्टेट को नेशनल में रिप्रेजेंट करने के लिए जाएगा। उसके आंखों में देख। और सुन उसमें ताकत तुझसे ज्यादा है, उसे अपना गेम मत सेट करने दे। कुछ जी पॉइंट तो ज्यादा ना मेरे। अरे पॉइंट दहेज में ले जाएगी क्या? अब देखना ये है कि फुर्तीली पम्मी और दमदार संगीता में से कौन ये बाजी मारता है। सविनय निवेदन। हम सभी धर्म गुरुओं एवं उनकी स्थापना का नतमस्तक सम्मान करते हैं। अपने देश में मान्य एवं प्रचलित सभी धर्म पंथ विचार संस्कृति एवं परंपरा हमारी धरोहर हैं और हमें उन पर गर्व है। लेकिन यदा कदा इस गौरवशाली धरोहर का कुछ लोग विकृत प्रयोग कर समाज के भोले भाले विश्वासी लोगों का शोषण करते हैं और हमारे पूज्य सच्चे एवं सम्माननीय धर्म गुरुओं की महान स्थापना को दूषित कर उन्हें बदनाम करते हैं। आश्रम की ये काल्पनिक कहानी इसी विषय पर एक प्रयास है। सत्ता में नहीं हूं लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हूं। ऐसे छोटे टटपुंजिया कार्यक्रमों को स्पॉन्सर करवा के मेरे पैसे रुतबे और सबकी धज्जियां क्यों उड़ाता है तू? सर पिछली बार जैसा सूपड़ा साफ हुआ था ना, इस बार ग्रास रूट लेवल पर काम करना पड़ेगा। भाइयों बहनों ताऊओं काकाओं जिनका था इंतजार हो चुके हैं पधार। अच्छी भीड़ जुटी है सर, सारे 21 गांवों के सरपंच मिलेंगे आपसे, अच्छी पब्लिसिटी हो जाएगी। आइए आइए। बगा तो बता रहा था कि यहाँ पर 21 गांव के सरपंच आने वाले हैं। देखिए जी वो सारे पंच सब तड़के ही आ गए थे लेकिन आपकी राह देखते देखते उन्हें भूख सताने लगी तो वो जलपान करने गए हैं पीछे, आ जाएंगे अभी। यही तो है जय सिंह की बिटिया संगीता। अरे कहीं मैंने आपका राउंड मिस तो नहीं कर दिया? ना जी अभी तो पहला राउंड ही हुआ है। बेस्ट ऑफ लक। हुकुम सिंह जी पढ़े लिखे लंदन में पर दिल से पूरी तरह देसी है जी। तभी तो 7 साल पहले वहाँ की ऐशो आराम की जिंदगी को ठोकर मार के फ्रांस को उन्होंने अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना। तभी तो ना सिर्फ खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमेशा आगे रहते हैं बल्कि अपनी व्यस्तता के बावजूद समय निकाल कर खुद। दिलावर दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ आजकल? सर उसी को फोन मिला रहा हूँ। हेलो दिलावर भाई साहब। अरे आप डांट के लुआओगे मुझे? अरे वो काम आ गया था। आप खुद ही बोल दो सर से जो बोलना है। अरे सर। हेलो जी भाई साहब। हाँ दिलावर। अच्छा दे गया कहाँ आजकल तू? वो सर थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था, थोड़ा पर्सनल। अरे भाई
कौन से पर्सनल काम चल रहे हैं तेरे? यहाँ बुलाया था ना तुझे, कहाँ गुल खिला रहा है तू? अरे भाई साहब आप भी। अच्छा अपना कोई नया पैंतरा ना खेल रहा ना तू, पूरा का पूरा बीसी हो रखा है तू, समझ जा भाई। इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे, नजर रखना। सर सीएम साहब के साले के साथ खूब मीटिंग हो रही है इनकी। 500 एकड़ फॉरेस्ट लैंड को इंडस्ट्रियल स्टेटस में डाल के मिश्रा ग्लोबल प्रोजेक्ट्स की एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाई जा रही है। बहुत बहुत बधाई आपको, कंग्रेचुलेशन। सब आपकी कृपा, लगाइए आप एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री जमीन पर। अरे दिलावर तू अभी तक यहीं बैठा है? प्रणाम भाई जी, अब आपकी शरण में आ गए हैं तो जाना कहाँ है। और क्या हाल है तेरे नेता हुकुम सिंह के? बेहाल है जी, चौक चौराहे पे कुश्तियों में मुख्य अतिथि बने घूम रहे हैं। हम तो अब आपके आसरे हैं, जैसा बोलेंगे वैसा कर देंगे। बहुत बढ़िया संगीता। और लो जी, पहलवान अखाड़े में फिर आ गए हैं। ये राउंड जोरदार होगा, टक्कर कांटे की है। दूसरे राउंड में भी बड़ी झपट वाली संगीता पर और संगीता को किया घेरे से बाहर। इसी तरह पम्मी ने झटक दिया एक और अंग, पम्मी 9 संगीता 4। इस दंगल में तो हर तरह से भारी पड़ रही है पम्मी जी। समाज के पिछले दलित वर्ग से आकर के भी इन्होंने प्रतियोगिता में अपनी छाप छोड़ दी है, दलित समाज का नाम रोशन कर दिया है। नहीं फाउल तो हुआ नहीं, बिल्कुल गलत है, फाउल प्ले, पम्मी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और वो भाई, इस दंगल में एक नया मोड़ आ गया। जज जी ने पम्मी अरे क्या बात कर रहे हैं, बताते हुए फाउल कैसे हुआ, डिस्क्वालीफाई कर दिया। सही पकड़ थी जज साहब, बिल्कुल सही तो पकड़े पम्मी की। हाँ जी नहीं थी, पम्मी ने उसकी गर्दन पकड़ के उसे नीचे से पुश किया। अरे अरे पूरा दाव ही गलत था। दाव तो सही था लेकिन छोरी गलत है, अगर यही दाव संगीता ने लगाया होता तो सही हो जाता। अरे ये बोलो कि संगीता का बाप इस इवेंट का ऑर्गेनाइजर है, इसलिए आप उसे हारने नहीं दे सकते। ढंग से बात करो। अरे चुप करो तुम दोनों, देखिए विनीत जी। मम्मी मम्मी तेरे को बोल रहा हूँ, सुन रही है क्या? इधर आ, अभी और भी मैच कराने हैं। अरे मेरी बात सुन पम्मी। इकबाल जी एक जज गलत हो सकता है लेकिन यहाँ पे बहुमत गलत तो नहीं हो सकता ना। ठीक है लड़की में फ्यूचर है, ले आइएगा नेक्स्ट टाइम। और हो गई गलती तो अब क्या किया जाए? उस बेचारे की गलती यो है कि वो दलितों की छोरी है और कुछ नहीं। अबे मुंह में बवासीर है क्या हैं? ये कुश्ती है या जात पात का खेल ना खेलो। और मैं भी तो वाल्मीकि हूँ, तो बोलो बोलो ना, अब दुर्व्यवहार का चार्ज लगा के डिस्क्वालीफाई करा दूंगा। हाँ तो कर दो ना, यही तो चाहते हो आप लोग, हम जैसों का खेल खत्म करना, फिर ये दंगल शंगल करने का नाटक भी क्यों कर रहे हो? अरे चुप करो तुम सब, क्यों बात बिगाड़ रहे हो? अब बिगड़ने को बचा ही क्या है कोच सर जी, अब संगीता जाएगी नेशनल्स, सब खत्म हो गया, पूरा का पूरा साल खा गई मेरा एक मिनट में। मम्मी हौसला ना हार, कोच सर नेताजी से बात करेंगे ना, कोच सर अब करी ना बात। हुकुम जी, आपके होते हुए धूल झोंकी जा रही है सबके आंखों में, नेता है आप हमारे,
ऐसे कैसे चुप रख सकते हैं आप? कोच साहब, कुछ तो खेल और गांव की मर्यादा का ख्याल रखो। और चौधरी साहब तो हमारे मेहमान हैं, उनको क्यों घसीट रहे हो इस बेफालतू के पचड़े में? जजेस का जो फैसला हो फाइनल, बस। ये सब जज तो जेब में रहते हैं आपकी, ये तो वही फैसला देंगे। ज्यादा मत उड़ पहलवान, नहीं तो क्या कर लेंगे। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, हम हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। नेताजी वो पंचायत के लोगों को बुलवाओ। देखिए, हर खेल की मर्यादा होती है और जजों का फैसला फाइनल फैसला, पर यदि आप खुश नहीं हैं, तो हम फेडरेशन में अपील कर सकते हैं। सही है ना? जी बिल्कुल। हुकुम जी, घड़ी थोड़ी बात कर दीजिए आपने तो। आइए पीछे चलते हैं, पंचायत के लोग कब से आपका इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए। आइए। पम्मी, ओ पम्मी, सुन तो। अब क्या हुआ? कुछ ना हो सकता भाई, हमारे हाथ का पानी भी ना पीते ये लोग, हमें आगे कैसे बढ़ने देंगे? सड़ा गला कास्ट सिस्टम है और सड़ गल रहे हैं हम। दलितों के घर जन्म लिया तो भुगतना तो पड़ेगा बस। तू हिम्मत ना हार मम्मी, तू देखना एक दिन ना तू जाएगी नेशनल। अरे हम फिर से ट्राई करेंगे ना। पागल तो ना हो गया ना भाई, और कितना ट्राई करेगा मेरे लिए? सब दांव पे लगा दिया तूने, तूने पढ़ाई छोड़ दी ताकि मैं खेल सकूं, और हुआ क्या? सब बर्बाद। जितने हुए गा हरा दिया मिलके इन खच्चरों ने। अब कोई ट्राई शाई ना करने वाली मैं। क्या हुआ पापा जी? बेटा तू लस्सी पी और ठंड रख, घोड़ी आ गई है, समझ कि घोड़ी की रस्म पूरी हो गई। भाई मेरे, अपनी घोड़ी लेके निकल ले यहाँ से। पापा जी के कह रहे हो आप? खाली देखने वास्ते मंगवाई थी घोड़ी? अरे चढ़न वास्ते बाद में मंगा ली उन्होंने बेटा। भाई साहब ठीक कह रहे हैं, रात निकासी का ये कोई रास्ता है और बड़े मोहल्ले से। अरे निकल ले लेके इसको। घोड़ी तो अब आ गई है, बैठो या ना बैठो पैसा तो देना ही पड़ेगा। भाई कहाँ भाग जा रहे हैं तेरे पैसे, दम रख दो मिनट। अंकल जी क्यों नहीं बैठ सकता नोनी घोड़ी पे? देश आजाद है, जिसका जो मन करे वो कर सकता है, हक है सबका। अरे ओ भाई, आजाद हिंद फौज के फौजी, अरे चुप कर यार तू। चाचा जी यक्की है, अखविंदर राठी मेरा कॉलेज का दोस्त है, खुद का केबल न्यूज चैनल है इसका, लेकिन फिर भी मेरे लिए वीडियो बनाने आया फ्री में, और आप मेहमानों से ऐसे बातें कर रहे हो? बेटा माफ करना, पर आप ऊंची जात के हो ना, आप आजादी की बात कर सकते हो, पर असलियत क्या है हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो। और असलियत ये है पापा जी, हम डरते हैं इसीलिए दबा के रखते हैं वो। समझ में आ गई है बात, अपनी हालत के जिम्मेदार हम खुद ही हैं। नोनी भाई, आज अगर तू घोड़ी ना चढ़ाना तो मैं तो तेरे बारात में ना जाने वाली। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी तू? सही बात है तेरी, अब मेरी भी जिद है, फिर जाऊंगा तो घोड़ी पे, घोड़ी नहीं तो बारात भी नहीं और शादी भी नहीं। ये हुई ना बात नोनी भैया, बड़े मोहल्ले वालों के बाप का राज है के, घोड़ी तो जाएगी ही जाएगी उनके मोहल्ले से ही। एकदम सही भाई, जाओ।
तो रुक गए भाई, बैंड बाजे भी बंद हो गए। समझदारी दिखा रहे हैं कि होशियारी? एक काम कर, जा देखी ने जा। क्या हुआ? अब यहाँ से शांति से निकल जाते हैं। नौनी घोड़ी से उतर, अपनी बात भी रह जाएगी और बड़े मोहल्ले वालों का मान भी। ताऊ, उनके मान के आगे आपको अपना अपमान ना दिख रहा? शांति से नहीं, शान से जावेंगे जैसे जा रहे थे। देख सत्ती, ये फालतू की बात मत कर। मैंने बैंड बंद करा दिया ना, ना बैंड बचेगा ना नाच होगा। नौनी बेटा नीचे उतारा। अरे नंबरदार जी, नीचे उतार के दूल्हे का दिल तोड़ोगे आप? और शादी है, मैयत तो है ना, है भाई? जाओ। अरे ये सोचन के लागे चौधरी जी, शादी एक बार हो है, कोई कसर ना रहनी चाहिए। ओ ऐसे भी ये हमारा मोहल्ला है, जब हमें प्रॉब्लम ना है तो आपके बल्ब क्यों फ्यूज हो रहे हैं? ओए भाई बजाओ। चूतिए, बड़े मोहल्ले से तू यूं नाचते भी निकलेगा घोड़ी पे? मैं चढ़ाता हूँ घोड़ी तेरे को भोसड़ी के। सुअर के बच्चे कीचड़ में खेलें तो ही ठीक, सड़क पे नाचेंगे, आज आवेंगे गाड़ी के नीचे, समझा दें इन सब ने। चलो चलो नहीं बैठ जल्दी बैठ। पहुंचने वाले बेटा, कस के बांधा, छोरा आँख खोल बेटा। नौनी पहले पुलिस स्टेशन चल के कंप्लेंट करते हैं। दिमाग खराब है भाई तेरा, सती सीरियस है, उसे छोड़ के। अरे यार तो उसके लिए बाकी सब है ना हॉस्पिटल में, पर अगर बड़े मोहल्ले वालों ने एफआईआर कर दी ना, पुलिस उल्टा तुम लोगों पर केस ठोक देगी। अक्की बाद में देख लेंगे, सती को ठीक तो जाने दे पहले। यार तू इस इलाके का कानून नहीं जानता भाई, अगर पहले एफआईआर नहीं की ना वो साले हरामी खुले घूमेंगे और तुम लोग रहोगे लॉकअप में, ये बात जान लो। उन हरामजादों को तो जेल ही होनी चाहिए। एफआईआर करते हैं तू चल अक्की।
भाई ब्याह का मुहूर्त किसी सही पंडित से ना निकलवाया था के जो ऐसी आपा पड़ गया है जी। छोड़ो, देखो ये छोटे मोटे झगड़े आपस में होते रहते हैं, दिल पे मत लो, आपस में मिलकर निपटा दो। मैं जान जा सकती थी सर जी, आप FIR क्यों नहीं लिखते? तुझे बड़ी खाज मच रही है, कौन है तू? इनकी फैमिली का तो ना लगता। मैं फैमिली ही हूँ सर जी, खबर आप तक से पत्रकार हूँ, अपने दोस्त की शादी में वीडियो बना रहा था। इस केस में तो अटेम्प्ट टू मर्डर की FIR बनती है। कानून विशेषज्ञ हैं आप, पहले क्यों नहीं बताया? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, तो तेरा माइक तेरे पिछवाड़े में घुसा के मोर बना दूंगा। यही बन रहा ज्ञानी, अब इतना ही ज्ञान है तो समझाया क्यों नहीं इन लोगों को कि बारात कहीं और से ले जाओ, बड़े मोहल्ले से गुजरना जरूरी था। जी अब गलत मत समझो, मैं तो जैसा मामला था उसी हिसाब से अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए बोल रहा था। तो जैसा तू बोलेगा वैसा लिख दे। आटू जाटू खबरों को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर दिखाते हो, अब पुलिस वालों को सिखाओगे कि FIR कैसे लिखी जाती है? सर जी अगर कुछ गलत होगा तो हम आवाज तो उठाएंगे ना। आवाज उठाइयो बाद में, पहले तो कुर्सी से उठ। हेलो, ये तेरी ब्रेकिंग हेडलाइन बना ना बने, मैं तेरा हेड जरूर तोड़ दूंगा। चल जा सर, चल चल साले, चल नाम बता। अरे हो जा, सर जी आराम से, BP हाई हो जाना है। वो सर हरिदास जी लगे हुए हैं कार्रवाई पे सवेरे से। कोटे से ऐसा ही बन गया, अब तो रंग खादो बनेगा ही। हाँ जी, आप दोनों तो उस पत्रकार की तरह सनकी नहीं दिखते, पढ़े लिखे लगते हो। जी मैं BCom, मेरी बहन पम्मी BA फर्स्ट ईयर में है जी। तो फिर तो 360 डिग्री का एंगल पढ़ाई होगा है जी, मतलब एक्शन के हिसाब से रिएक्शन के सारे एंगल। देखो जो कांड तो हो गया, अब अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट टू मर्डर की FIR लिखवाई तो फिर मर्डर होना ही होना है। हम समझे नहीं जी। अटेम्प्ट टू मर्डर की FIR लिखते ही तो लौंडे जेल जाएंगे, उनके काका ताऊ चाचा भाई सब आपके घर पहुंच जाएंगे, आप लोगों की 2-3 लाश तो गिरेंगी गिरेंगी, पक्का है। हो गया ना मर्डर? मतलब वो हमें मारे पीटे कुछ भी करे पर हम उनके खिलाफ FIR तक नहीं कर सकते। ओ ना जी ना, ऐसा कब काम ने, लिखवाओ, लिखवानी भी चाहिए लेकिन क्या है ना, मारपीट की लिखवाओ, अटेम्प्ट टू मर्डर की नहीं, इससे मामला बढ़ जाएगा। देखो ऐसे केसेस में ऐसा ही होता है, एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। ना ना पम्मी, बिल्कुल ना, अटेम्प्ट टू मर्डर ही लिखवाना वरना कोर्ट कल ही बरी कर देगी उन सबको। अरे केक कलेश काट रखा है, डिस्टर्ब हो रहा है बाहर। इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, अर्जेंट। ईट के पैसे निकालने को इन्वेस्टिगेशन नहीं कहते, एक्सटॉर्शन कहते हैं। और शोर थोड़ा कम मचाओ, बाकी लोग भी काम कर रहे हैं यहाँ पर। काम कर रहे हैं, हम लोग तो यहाँ घास काट रहे हैं ना। हाँ भाई दूल्हे राजा, सोच लिए सारे एंगल? अटेम्प्ट टू मर्डर है सर जी, तो वही लिखो आप प्लीज। तो प्लीज बोल दिया तो आगे मैं क्या पूछूं, तो गलती आप लोगों की ना है। लिख दे भाई साधु, निवाले भाईचारा, तेरे जात भाई है ना, उसके बाद लाशों के पंचनामे की तैयारी भी कर लेना। समंदर जी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर दिया है, लड़की FIR लिखवा रही है। मादर चौथ, स्ट्रेचर लेके आओ भाई, स्ट्रेचर लाओ, स्ट्रेचर स्ट्रेचर लेके आओ, अरे जल्दी कराओ। इधर रखो, बंद करो,
बाहर भी चढ़ गई भाई चोर निकालो भाई चोर छोड़ू क्या कर रहे हो बाहर भी फाइन है काला चोर अरे क्या कर रहे हो भाई मरवा दो अभी लाज डॉक्टर को कहां लेके जा रहे हो अरे 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 समंदर भाई एफआईआर लिखवाएंगे मालक चोट छोड़ दो मुझे पेशेंट को देखना है करवानो ना जा अरे क्या कर रहे हो भाई अरे मर जाएगा बच्चा ये अरे आप उसका बस आप करता हूं जपनाम बाबा जी को अर्जेंट खबर देनी है जनाब उजागर कहाँ है तू भाई जनाब अभी थाने से घर पहुंचा हूं बस अरे यार बड़े मोहल्ले वालों ने वो हॉस्पिटल में बवाल मचा रखा हो गया जी कांड होना ही था तुम और हरिदास 20-25 सिपाहियों को लेकर तुरंत सिविल हॉस्पिटल पहुंचो यहाँ नकना बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए मैं भी पहुंच रहा हूँ अभी जी जनाब हरिदास जी जनाब निकलो जल्दी बस पहुंच रहा हूँ ऑन द वे जनाब जी सर घोड़ी चढ़ूंगा कह के नाश करने से मन ना भरा था जो अब ये कांड करके चला आया ये वीडियो वाला ले गया होगा तुम्हें के भाई कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है तू इसकी शादी तो रुकवाई थी अब तो मेरे बेटे की जान भी जा रही है कोई डॉक्टर नहीं आ रहा इसको देखने डॉक्टर क्यों नहीं आया देखने तुम्हारी वजह से रिपोर्ट जो लिखा दी तुमने ना डॉक्टर को नहीं छोड़ेंगे जब तक एफआईआर वापस नहीं होगी इलाज नहीं होने देंगे कहाँ जा रहे हो बाबा जी आ रहे हैं हॉस्पिटल में अच्छा काशीपुर वाला बाबा की गरीबा वाला बाबा की नसीबा वाले बाबा की अम्मू तू जा और पाँव पकड़ के माफी मांग ले और बोल के हमसे अरे इस कमीनी को कहाँ भेज रहे हो कुछ अंट शंट पक देगी और से आप हो जाएगा अरे तुम क्या करूं मैं जा रही हूँ एफआईआर वापस लेने डॉक्टर को छोड़ दो ना तो मर जाएगा मेरा भाई वापस लेके आ पहले बाबा तो अपनी पूरी फौज लेकर आया शांत शांत यहां अस्पताल में
सत्संग करने नहीं आए हैं हम। एक की आस्था दूसरे की परेशानी नहीं बननी चाहिए, इसलिए यहां जयकारा नहीं लगाएगा कोई। सब हाथ जोड़कर मन में सिमरन करें जख्मी बच्चे के लिए। जय हो। बाबा निराला है। ए भाई साहब, भाई साहब, ये बाबा किसने आए यहाँ पर? बाबा नहीं, बाबा जी बोलो। एक हरिजन के बच्चे को ऊंची जात के लोगों ने मारा, तो जहाँ अन्याय वहाँ हमारे बाबा जी। बाबा कहां से आ गया? डटे रहो तुम लोग। क्या कर रही है माता जी? आपसे उम्मीद है। रब बचाएगा। थम जा छोरी, थम जा। वो भाई है मेरा जिसको मार लगी है। ये ऐसे क्यों पड़ा है? मरहम पट्टी क्यों नहीं हुई? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर को बंधक बना रखा है वो बड़े मोहल्ले वालों ने, उधर अंदर। बाबा जी मैं देखता हूँ। चलो। चौधरी, क्रोध शत्रु होता है इंसान का। लड़के की हालत ठीक ना है तो डॉक्टरों को छोड़ दो पहले, वहां इलाज शुरू हो जाए, इधर बात शुरू करते हैं आराम से। अरे बात ना होगी अब। इन सालों को यह बताना बहुत जरूरी है कि टट्टे चाहे जितने बड़े हो जाएं, रहते हमेशा नीचे ही हैं। और बोलो ना, आप ना आओ बीच में, अपना उपदेश कहीं और जाकर के दो। हमारे बच्चों की जिंदगी का मामला है, इनको समझाना बहुत जरूरी है कि अटेम्प्ट टू मर्डर के होवे है। टांग ना अड़ाओ अभी ना तो के गड़बड़ करेगा। हाँ बोल, के गड़बड़ करेगा? बोल बोल। हथियार है तो प्यार की भाषा समझ में ना आती? अबे छोड़, अबे देख क्या रहा है, मार इसे। शाम जरल सही पहले ना तेरे को। तुम बाप बेटा दोनों हराम चाहते हो, के बोला तूने? अंडकोश है ये लोग, मूर्ख। शरीर के लिए हर अंग जरूरी है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। बात आई कुछ समझ में? बोपे जी। बाबा जी चलो चलो चलो, लड़के की लाज मिलाओ। चलो चलो, चलिए सब चलिए, आप भी चलिए। हटिए हटिए, चलिए हटिए हटिए। रुकिए रुकिए, आप लोग यही रुकिए। हाँ भाई कहाँ? लगता दिमाग ठिकाने ना तेरा। अच्छी आवाज नीचे, भक्त सिमरन कर रहे हैं। वैसे अगर तुमने अंदर जाना हो ना तो हथियार यहाँ जमा कराने पड़ेंगे, बाबा जी की सुरक्षा का मामला है। वैसे भी बाबा जी जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ कर बाबा की नौकरी चालू कर दी,
तो बाबा कानून हो गया है। वैसे आजकल कितने पैसे दे रहा है बाबा ठोकने के? सैल्यूट। अरे भाई जमा करा देना भाई, मैंने भी जमा करा दिए। हर बात पे उलझना जरूरी है के? चाटुगिरी का मौका नहीं छोड़ता है। जनाब जनाब ठंड, थोड़ा ठंड। वैसे 360 डिग्री के एंगल कभी आप भी चला लिया करो जनाब। इतने सारे भक्त इकट्ठे हुए हैं, कोई भी कहा सुनी होगी ना तो कांड हो जाना है यहाँ पर। चलो जनाब आप चलो, आओ आ जाओ। बड़ा मोहल्ला, बड़ा मान, तेरे मालूम है ना पूरा मोहल्ला पंचायती जमीन पे बना हुआ है अवैध ढंग से। इसी तोड़ने वाला था ना पिछले साल, किसने बचाया था तब? फिर से निकलवाऊं फाइल? 2 दिन में सब पार्ट कर देंगे, सारा घमंड उतर जाएगा। फिर उतारना किसी को घोड़ी से। और हां मैं उपदेश नहीं संदेश देता हूं, शांति का सदा ही जय। तुम लोग ये बातें टाइम से क्यों नहीं बताते हो? जिले के एसपी को बोलो जिन दबंगों ने बारात को अटैक किया उनको फौरन अरेस्ट किया जाना चाहिए, सबके सबको। नहीं तो ये बाबा फोकट में ही हीरो बन जाएगा। और सुनो प्रेम से कहो कि कल की हेडलाइंस का खास ध्यान रखें। जी। सीएम के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स की वजह से हरिजन समाज को न्याय मिला और सबको ये पता होना चाहिए कि मेरे राज्य में कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। भाई हरिदास एक सेक्शन ले ले और निकल जा, उठा के ले आ इन लोगों को। जी जनाब। सुना तो अकेले भिड़ी हुई थी उन सब से? हाँ बाबा जी, इसने तो बाबा जी खूब लड़ी मर्दानी वाली बात कर दी आज। पहलवान है जी मारी बहन पम्मी। पहलवान? दिखने में तो बहुत अच्छा किया जो लड़ी, हक के लिए बिना डरे लड़ना चाहिए। डरे वो जिसने अन्याय किया है। हर युग में ऐसे युद्ध होते आए हैं, अधर्म के खिलाफ सीना चौड़ा करके लड़ना चाहिए। गीता में कृष्ण ने भी यही कहा है। तेरा खून बेकार नहीं जाएगा बच्चे। हां भी दूल्हे महोदय, घोड़ी से उतार दिया तो वापस ना चढ़ेगा, पैदल जाके शादी करेगा, दुल्हन से आंख कैसे मिलाएगा फिर? हाँ अच्छा देखो ये पूरा मोहल्ला खाली करना ही पड़ेगा, जरा ध्यान से। तैयारी पूरी हो गई ना? क्या क्या बात है भाई? अरे ये तो होना ही था, नोटिस निकाली है डिपार्टमेंट ने, मोहल्ला खाली करना पड़ेगा, बुलडोजर चलेगा। ऐसा क्या हो गया जी? और पंगा लो बाबा जी से। ये म्युनिसिपैलिटी बाबा की है क्या? अजी उनके भक्त तो बैठे हैं हर जगह कुर्सियों पर। अजगर है ये बाबा। और भाई अजगर जब जकड़ ले तो ज्यादा तिल मिलाना नहीं चाहिए, उसकी पकड़ कसती जाती है और हड्डियां तोड़ती जाती है। जपनाम बाबा जी, सबको समझा दिया अच्छी तरह से। जब तक आपका आदेश नहीं होगा बड़े मोहल्ले पर हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। बाबा जी
हरिजनों के मसीहा तो बन गए आप, हमारे भी कुछ बन जाइए। हमारे यहां का पानी भी ना पिएंगे, पछतावा है बाबा जी, दिल से निकल रही है ये बात। घनी गलती हो गई भाई, माफ कर दो। बाबा जी हमें तो सही रास्ता दिखा दिया आपने, एक विनती है आपसे, हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए, वो एफआईआर वापस करवा लीजिए। उसका निर्णय तो लोचन परिवार लेगा, वो माफ कर दें तो बहुत अच्छा, भाईचारा बना रहे हमारी तो यही इच्छा है, सदा ही जय। आपकी इच्छा हमारे लिए आदेश है बाबा जी, मैंने कराई थी एफआईआर, मैं वापस ले लूंगी। ये लड़की जितनी बहादुर है दिल की भी उतनी ही साफ है, इसने माफी दे दी तो सबने माफी दे दी। जय हो बाबा, सारी शिकायतें खत्म। काशीपुर वाले बाबा की जय। काशीपुर वाले बाबा की जय। भाई हमेशा की तरह लेट आया तू, बाबा ने अरेस्ट करने का ग्राउंड ही खत्म कर दिया, लड़की केस वापस ले रही है। अच्छा। करवाइए पूरा, ठीक है? और यहाँ पे गड्ढा खुदेगा इस साइड, सरिया वरिया यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है? बाकी सब यहाँ साइड में, ठीक है? और आज ही होना चाहिए पूरा काम। ओए रुक 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 जा। ए, नीचे कर नीचे कर। सभी का आश्रम में प्रवेश करने का समय आ चुका है।